फोर्थ स्टैंडर्ड। आज मैं रचना मैम आपके समक्ष लाई हूँ फोर्थ स्टैंडर्ड का इजी मैथ्स। हम पढ़ेंगे आज रानीज़ डायरी, हमने देखा और हमने टाइम के फंडामेंटल्स पढ़े, टिक टॉक चैप्टर फोर हमने पढ़ा। अभी आपको अच्छे से टाइम आ गया होगा, आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप 6:15 किसको बोलते हैं, 6:45 किसको बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए बच्चों। जितना आपको आएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या टाइम पे खाना है, कैसे रहना है। चलो देख लेते हैं, आज बहुत इजी है हमारा सेशन। आज करीबन हम अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ेंगे, नया पढ़ेंगे। रानी जो है, जिनकी डायरी हम पढ़ रहे थे बच्चों, नन ऑफ देम, रानी हैड पेट पपी ऑफ 2 weeks एंड ओपन द आईज, शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। ठीक है, नोट द डिफरेंसेस, आपको लीडर दिखे हैं कि कितने प्यारे बच्चे हैं ये, पपी के हैं। आफ्टर 3 weeks इट गॉट इज फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, इट हैड फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 months ओल्ड। आफ्टर 7 weeks इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल थ्रोबिंग। आफ्टर 1 year इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज। तो देखो ये डॉग की कहानी है। अब आपकी तरह मेरी तरह देखिए, हम पहले छोटे से थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर वॉकिंग करने लगे, स्टिल ग्लॉबलिंग करने लगे, बॉल को मुंह में से लेके खेलने लगे, फिर 7 महीने के हुए, फिर उनके भी बच्चे हो गए, उन्होंने भी खुद के बच्चे जन्म। तो बच्चों ये है हमारा, यानी जिनको जान है उनका प्रोसेस। डू यू ऑल लाइक एनिमल्स ग्रो टू एट द सेम स्पीड? तो देखते हैं कि सभी एक जैसे नहीं करते। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ। देखिए स्टार्टेड वॉकिंग कब थे, मुन्नी एज और पपीज एज। तो मुन्नी है सपोज, तो नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक और मुन्नी एंड रानीज पपी। तो मुन्नी आप ले लो, कोई भी छोटी सी लड़की, बेबी सिस्टर है, ठीक है। तो हम लास्ट टाइम पढ़े वो छोटी सी बड़ी हुई, सब खेलने आए और कब चलने लगी। तो आपको आपकी बहन का यहाँ डालना है कि स्टार्टेड वॉकिंग कौन से साल में, कितने साल की हुई तब, और ये डॉगी वॉकिंग कब करने लगा, जब वो 4 weeks का हुआ। और मुन्नी कब आपकी बहन हो, वो कब चलने लगी, तो आपको यहाँ लिखना है शायद साल भर की हुई, तब चलने लगी, कब चलने लगी। 8 food फॉर द फर्स्ट टाइम, तो खाना उन्होंने कितने समय के बाद खाया, और पपी ने खाना कितने साल के बाद खाया, वो कितना बड़ा हुआ तब तक, क्योंकि छोटे होते हैं तो दूध पीते हैं, तो खाना कब से खाया वो आपको रिकॉर्ड रखना है। गॉट द फर्स्ट थी, तो इनको कब दांत हुए, स्टार्टेड ईटिंग, मतलब इनको 3 weeks के थे तब शायद इनको दांत आया होगा, इनको कितने साल के हुए तब इनको दांत आए, वो अपने तरह से आपको लिखना है। अगर आपके घर में छोटी बहन है तो आप अच्छे से लिख पाओगे कितने साल के हैं, वो आपको लिखना है। फाइंड आउट डू एज डायरेक्टेड, डू एज एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, नहीं सब अपना अलग अलग से टाइम लेते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बेबी एनिमल्स एंड बेबी बिग एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे आपके पास है ये ड्रॉ किया 1, 2, 3, वैसे आपको हैन काव और बर्ड का ड्राइंग आप लगा सकते हो, बना सकते हो। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ बेबी एनिमल एंड बिग एनिमल, ये
पिक्चर्स आपको दिए हैं बच्चों, वो आपको देखने हैं। ऑफ ग्रैंड फादर्स पोस्टिंग फॉर द फोटोग्राफ हु लुक्स एट द ओल्डेस्ट ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पे हमें दिए हैं एलिफेंट, चुकूज राइट, ग्रैंडफादर 2 years, और यह 70 years रानी के ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कितने हैं, हाउ मैनी ओल्डर इज अपूज ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो अपू के ग्रैंडफादर हैं 95 के और रानी के हैं 70 के। तो 95 को आप 95 को आप माइनस करो 70 से तो आपको आता है 5 यहाँ पे, और 9 को माइनस करेंगे 2 से तो होगा 2। 25 से ज़्यादा है, ठीक है। हाउ मच यंगर इज चिकूज फैट्स फादर रैट्स फादर देन रानीज ग्रैंड फादर। तो चिकूज का ग्रैंड फादर है 2 साल के हैं और इनके 70 है, तो 70 को माइनस करो 2 से कितना हुआ 8 हुआ और ये 6 होगा तो 68। चिकीज ग्रैंडफादर वो गोल्ड ओल्ड ग्रो एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर। तो चिकूज ग्रैंडफादर वो ग्रो ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर। वेल चिकूज ग्रो ओल्ड ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर। तो रानी का कितना है आपने देखा, विल चिकूज ग्रैंडफादर एवर गोल्ड एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर। तो ये जो हमारे चिकू जी हैं इनके 2 साल है, तो एवर ग्रो एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर 95, बाप रे। तो कितने 25, ये 2 साल के हैं अभी, तो 68 साल के बाद वो इतने साल के होंगे। हाउ मच यंगर इज चिकूज रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज। तो रानी के हैं 70 और चिकू के हैं 2, चिकू रैट्स के ग्रैंडफादर है 2 years, यंगर कितने हैं तो 68 के यंगर है, वो साल से यंगर है हमारे इनसे। और हमारे जो चिकूज ग्रैंडफादर है एवो ओल्ड देन अपूज ग्रैंडफादर, ओके। तो 95 माइनस 2 होता है तो आपको आता है 93 यहाँ पे आएगा 93 इयर्स के बाद वो 95 ईयर्स के होंगे, कौन चिकू और हमारे चिकूस के ग्रैंडफादर 93 ईयर्स के बाद होंगे अपू जितने। तो इसके साथ हमारा हॉलीडेज आर फन आतिफ हॉलीडेज हैव बिगन, उनकी हॉलीडेज बिगन किए हैं। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वॉन्टेड टू टेल कजन शबाना, सो ही रोट। देखो दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन एंड टू फ्रॉम द लाइफ एंड ग्रोथ एंड पैटर्न्स एंड एनिमल्स द आइडिया टू कंपेयर डिफरेंस बाय मेकिंग मेमोरीज ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो आपको किसी का उम्र यहाँ नहीं पूछना है बच्चों, बट अगर आप बोलते हैं पूछते तो आपका मैथ्स भी अच्छे से पावरफुल होता है। कि अगर कोई 70 ईयर्स का है और अभी 50 ईयर्स का है तो उसके बाद 20 साल के बाद वो 70 का होगा। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस आप ज़रूर कर सकोगे बच्चों। हॉलीडेज देखो आ फन
तो देखिए, शबाना हु स्टेज इन नागपुर गॉट दी लेटर ऑन 13/5/18। शी रोट बैक टू आतिफ। उन्होंने आतिफ को ये लेटर लिखा अजमेर से। तो देखिए, लेटर इधर लिखा है उन्होंने डेट, ओके, डेट यहाँ पे लिखा है इन्होंने। और शबाना लिखती है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, अप्पा माय हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। उनको उनके हॉलीडेज स्टार्ट किए हैं। एंड माय नानीज़ प्लेस ऑन 10/5/18 एंड आई विल बी बैक ऑन 2/5/18 एंड माय स्कूल विल बी ओपन एट 3। तो 10 तारीख को वो जाएंगे, 20 तारीख को वो बैक होंगे और उनकी स्कूल 30 तारीख को स्टार्ट होगी। व्हेन देयर इज द स्कूल क्लोज, व्हाई डोंट यू कम हियर, वी विल हैव ग्रेट फन, बाय। तो देखिए, ये लेटर आतिफ ने लिखा है शबाना के लिए। तो ऐसे आप लेटर्स लिख सकते हो बच्चों। अली रोट द लेटर 7/8/18। यू रिमेंबर हाउ राइट द डेट? तो देखो, डेट यहाँ पे लिखी है इन्होंने, ठीक है। फिर हेलो, आई एम गोइंग वेल, आई गॉट माय लेटर यस्टरडे, हैप्पी हॉलीडेज, माय स्कूल इज़ क्लोज्ड ऑन 1/1/18, इट विल रीओपन ऑन 10/10/2 और आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/18। तो उन्होंने सब लिखा है, तो आपको भी ऐसे लिखना है। नाउ राइट द डेट्स जैसे आपको लिखने हैं, और ऐसे करके आप भी एक लेटर लिख सकते हो। 7/10/8 इज 7/May/28/2018 एंड नाउ राइट द सेम डेट्स एंड स्टैंड। तो ये भी आपको लिखना है, जैसे 10/May/2018 यहाँ आप लिख सकते हो। तो इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे पेज नंबर 47 को लेकर बहुत जल्द। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, रफ बुक में इसको 5 बार लिखिए तो आपके भेजे में जाएगा, उतरेगा और आपका एकदम फर्स्ट क्लास लेटर राइटिंग हो जाएगा। तो हमने इसमें देखे मैथ्स में इंग्लिश भी कवर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।